ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे अपना लिमिट फिट टॉलरेंस पे क्लिक करके। तो इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे हम अलाउंसेस को निकालते हैं, टॉलरेंस को निकालते हैं अगर हमें बेसिक साइज, ठीक है। हमारा है ये वीडियो नंबर 2, और अगर हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अलाउंसेस एंड टॉलरेंसेस फॉर होल एंड शाफ्ट असेंबली। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ allowances and for whole and soft assembly and जो assembly दी हुई है उसकी size क्या दी हुई है, उसमें से होल दिया हुआ है आपका, जो होल की साइज है वो है आपकी 25। आपको होल की साइज दी हुई है वो देख लीजिएगा, ये आपका होल दिया हुआ है, इस तरीके से साइज दिया हुआ है, और आपका जो शाफ्ट दिया हुआ है ठीक है, तो ये हमारा होल दिया हुआ है और हमारा शाफ्ट दिया हुआ है। इसको अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सब निकालनी होगी, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अगर हम होल की बात करें, फॉर होल अगर अपर लिमिट की बात करें होल के लिए, ये हो जाएगी, ये साइज आपका 25 प्लस अपर डिवीजन, अपर डिवीजन कितना है 0.05, मीन टू से दैट दिस विल बी कम्स आउट, ठीक है, ये आपका अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट .00, ये देखिएगा ये हो जाएगा 25.00 mm, ठीक है, ये हमारा अपर लिमिट हो गया होल के लिए, ये हमारा लोअर लिमिट हो गया। अगर टॉलरेंस की बात करें होल के लिए, टॉलरेंस क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ये हमारा टॉलरेंस, सॉरी होल, ये भी रहेगा। आई मीन टू से दैट द टॉलरेंस विल बी हमको वैल्यूज रख देने हैं, ये हो जाएगा 25.05 माइनस 25.00 and that will comes out 0.05 mm।
तो टॉलरेंस फॉर द होल, जो होल का टॉलरेंस है, इसे आप देखेंगे तो इतना आया। कैसे किया गया इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ था होल की जो साइज है वो दी हुई थी, ठीक है। होल की साइज आपको दी हुई है 25, उसकी जो अपर डेविएशन है प्लस 0.5 है, लोअर डेविएशन है प्लस 0.0 है। तो जो हमारा होल के लिए हम अपर लिमिट लिख रहे हैं 25.05 यानी 25.05 मिलीमीटर आ जाएगा। उसका जो लोअर लिमिट है वो देखिए, लोअर लिमिट हमारा क्या रहा है 25.00 और टॉलरेंस जो हमारा आ रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट किसके लिए? होल के लिए। और लोअर लिमिट किसके लिए? होल के लिए। हम जब टॉलरेंस ऑफ होल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया ना, तो इसका एक हिस्सा पूरा हो गया। अब हमें टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट की बात करनी है, हमें हम फॉर शाफ्ट की बात कर रहे हैं। तो शाफ्ट के लिए हमारा अपर लिमिट क्या हो जाएगा? देखिए अपर लिमिट अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा शाफ्ट के लिए 25 प्लस, और इसमें अपर डेविएशन क्या है? माइनस 0.02। इसको आप अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 24.98 mm, ठीक है। वहीं अगर लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं आप शाफ्ट के लिए, तो लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 25 प्लस माइनस 0.05, ये आ जाएगा 24.95 mm, ठीक है। तो अपर लिमिट में क्या करना है आपको, जो ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर में अपर डिवीजन को ऐड कर देना है। लोअर लिमिट में क्या करना है, इस नंबर में आपको ये जो लोअर डिवीजन है आपका, इसे हम कहते हैं लोअर डेविएशन, और ये जो हमारा ऊपर है इसे हम कहते हैं अपर डेविएशन। ठीक है, अब टॉलरेंस फॉर द शाफ्ट क्या हो जाएगा? शाफ्ट टॉलरेंस की बात कर ले तो अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ दिस शाफ्ट, तो देख लीजिए दोनों क्या हो जाएंगे। अपर लिमिट क्या है इसके केस में? अपर लिमिट आपकी आ रही है 24.98 माइनस 24.95 आपका आ जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू 0.04 mm टॉलरेंस आ जाएगा आपका। ऊपर देखना है आपको, ये होल का टॉलरेंस है 0.05, ये आपका होल का टॉलरेंस है, और ये 0.04 किसका सब टॉलरेंस है? ये शाफ्ट का टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस हर पार्ट का अपना अलग अलग हो सकता है। अब हम अलाउंसेस की बात कर ले रहे हैं, अलाउंसेस क्या हो जाएंगे? अलाउंसेस आपका होता है बेसिकली मिनिमम क्लियरेंस, ठीक है। अलाउंसेस क्या हो जाते हैं आपके? मिनिमम क्लियरेंस आपका जो अलाउंस होता है,
ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ द होल, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। ये आपका अलाउंसेस होते हैं, तो ठीक है, ये आपका अलाउंस हो गया लोअर लिमिट ऑफ द अपर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द होल माइनस अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। अब अगर लोअर लिमिट ऑफ द होल देखें तो लोअर लिमिट ऑफ द होल क्या रहा है, 25.00 माइनस अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, सो इट विल बी 24.98 एंड दैट इज इक्वल टू 0.2। तो अलाउंसेस जो इस पार्ट के बीच में दिए गए हैं वो हमारा 0.02 mm का दिया गया है। यहाँ पे हमारा एक न्यूमेरिकल जो है वो ख़त्म होता है और इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए हमारा एक क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अलाउंसेस एंड टॉलरेंस फॉर द होल एंड शाफ्ट असेंबली एंड द गिवन डेटा आर एज फॉलोज, होल वॉज इक्वल टू 25 एंड अपर डेविएशन इन केस ऑफ होल वॉज प्लस 0.05 while the lower deviation in case of hole was plus 0.00. In case of shaft, the size was given as 25 minus 0.02 and lower deviation in case of shaft was minus 0.05. So we are going to solve this for tolerance of hole and shaft as well as allowances between hole and shaft. So first we take the consideration for the hole and for the upper limit of the hole we have the given value plus upper deviation. So the upper limit will comes out to the 25 plus 0.05 which is our upper deviation of the hole and that the value comes out to be 25.05 millimeter mm. In case of lower limit of the hole, we have 25 plus lower deviation of the hole and that is 0.00. So the lower limit will be 25.00 millimeter. As we know that the formula for the tolerance is upper limit minus lower limit of the hole, both for the hole. So we will get the value of the tolerance for the hole is 25.05 minus 25.00 and that will comes out to 0.05 millimeter. And for the calculation of the shaft, we have to first calculate the upper limit and lower limit, upper bound and lower bound of the shaft. So we will here get the upper limit of the shaft as 25 basic size plus upper deviation minus 0.02 is equal to 24.98 mm, which is the upper limit, while for the lower limit we have 25 plus in the bracket minus 0.05 is equal to 24.95 mm and which is equal to lower limit. For the tolerance of the shaft, as we know that tolerance is the upper limit of the shaft minus lower limit of the shaft. So after subtracting upper limit to the lower limit, which is equal to 24.98 minus 24.95, that is equal to 0.04 mm. So tolerance is 0.04 mm. And for the allowances, as we know that the formula for the allowances of two different mating parts is equal to lower limit of the hole minus upper limit of the shaft, and that will be equal to 0.02 mm. So this was the whole numerical for a simple hole and shaft problem for the calculation of tolerance and allowances for a simple hole. Thank you.